हाडी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैंगो केक, वो भी एगलेस और बड़ी थोड़ी इन्ग्रीडियंट्स में बन जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने इस इतने साइज़ के, आजकल बड़े श्याम आ रहे हैं मीठे, इस साइज़ के दो आम लिए। एक को मैंने क्यूब्स में काट दिए, ये देखिए, और एक की मैं प्यूरी बनाऊँगी, तो इसको हम काटेंगे अभी बाद में। बाकी का जैसे जैसे मैं डालती जाऊँगी आपको बताती जाऊँगी। सबसे पहले हम मैंगो को छील के इसके क्यूब्स करके फिर इसकी प्यूरी बनाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। मैंगो छील के काट लिया, और ये हमारा एक मैंगो पूरा था और एक हमारा ये हमने काट के क्यूब में रखा जो हम बीच में डालेंगे। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे बड़ा वाला, उसमें ये डाल देंगे मैंगो। हम इसमें डालेंगे हम हाफ कप चीनी और हाफ कप ही ऑयल डालेंगे। और मेरे पास मैंगो एसेंस है, अगर आपके पास ना हो तो आप वनीला या अवॉइड भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा मैंगो एसेंस डालूंगी, इसका बड़ा ढक्कन, इसमें मैंगो एसेंस डाल दिया, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसको मिक्सी में 30 से 40 सेकेंड तक घुमा के लाती हूँ, फिर मैं आपको बताती। आप देख सकते हैं मैंने इसको 30 सेकेंड मिक्सी में ब्लेंड कर लिया। इसमें हमने मैंगो, चीनी और ऑयल और ये हमने वनीला सॉरी मैंगो एसेंस डाला है। तो हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये लिक्विड तैयार हो गया, इंग्रेडिएंट जो होते हैं हम इसमें एगलेस बना रहे हैं। इसमें कोई बटर नहीं जा रहा है, कोई कंडेंस मिल्क नहीं जा रहा, तो सिंपल केक है जो घर में आम चीज़ें मिल जाती हैं उसी से बना रहे हैं। तो आज मौसम में आमों का तो आप जरूर बनाएंगे। अब हम इसके लिए लेंगे एक कप मैदा और इसमें लेंगे एक टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, और इनको छान लेते हैं। ये हमारे तैयार हो गए, मैं आगे का आपको इसी से बताती हूँ। हम एक केक टिन लेंगे, आप किसी भी शेप का ले सकते हैं, मैंने ले लिया था। और मैंने ये देखिए मैंने बटर पेपर लगा दिया, ये वो वाला बटर पेपर है जो अमूल बटर के साथ आता है बड़ा वाला पैकेट में, तो वो यूज़ कर लिया। ये भी एक टिप है आपके लिए। तो आपके पास ना हो तो आप सिंपल इसको डस्ट करके तेल लगा के फिर मैदे से डस्ट कर लीजिए, तब भी आपका ये टिन तैयार हो जाएगा। मैंने इसके ये लगा के ऊपर ऑयल लगा के थोड़ा सा मैदा डस्ट करके ये अपने टिन तैयार कर लिया। और अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारे पास मिल्क पाउडर है, ये 2 टेबल स्पून, ये इसमें हम मिक्स करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आपके पास ना हो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये हमने मिल्क पाउडर डाल दिया, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लिक्विड है मैंगो प्यूरी और वो, इसमें ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैदा और मिल्क पाउडर का मिश्रण डाल दिया और ये अभी हमारा टाइट लग रहा है, तो हम इसमें आधे कप से थोड़ा सा कम दूध लेंगे। पहले हम सारे नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा सा डालते हैं, इसको भी डालेंगे। आप विस्क से भी इसको कर सकते हैं, चम्मच से भी। देखिए मैंने एक चम्मच बड़ा वाला दूध और डाल दिया, मैंने आधे कप में से इतना हमारा बच गया, मैं पूरा आधा कप नहीं डालना दूध इसमें। अब हम इसमें ये जो हमारे पास आम के जो क्यूब्स कटे हुए थे वो डाल देंगे। ये ज़्यादा टाइम पर नहीं आप रख सकते इसको, एक दो दिन में इसको ख़त्म करना होता है, नहीं तो ये ढीला पड़ जाता है। अब इसमें आप डालना चाहे तो आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, ये तो ऐसा भी आप बना सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है ये चीज़ें, लेकिन अगर डालेंगे तो बहुत टेस्टी और अच्छी बनेगी। मैंने 180 डिग्री पर अपने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया, तो तब तक हम इसमें अपनी ये एक टिन में इसको ट्रांसफ़र करते हैं। सारा डाल दिया इसमें बैटर, इसमें केक का,
अब इसको हम थोड़ा सा टैप करेंगे और ऊपर से चाहें तो आप बादाम वगैरह डाल सकते हैं। अब हम इसको ओवन में रखते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट तक रखेंगे, करेंगे 180 डिग्री पर, तो फिर मैं उसके बाद आपको दिखाऊंगी। ऐसे अब हम इसको रख देते हैं, फिर बाद में हम देखेंगे जब हमारे बेक हो जाए। अब हो गया, मेरे केक बेक हो चुका है। अब हम देखते हैं इसको, ये नाइफ क्लियर निकला है, टूथपिक से भी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल। अब हम इसको ओवन को बंद कर देते हैं और इसको 5 मिनट ऐसा पड़ा रहने देते हैं, फिर हम इसको निकाल के बाहर निकालेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। देखो हमने ओवन में से निकाल लिया इस केक को, और ये ठंडा भी हो गया थोड़ा, तो ऐसे तो ये निकल ही जाते हैं। अगर आपको थोड़ा मुश्किल हो तो छुरी की सहायता से आप इसको साइडों से लूज कर सकते हैं, और मैं इसको निकाल के आपको दिखाऊंगा। ये देखिए हमारा ये मैंगो एगलेस मैंगो केक बनकर तैयार है। मैंगो का सुपर मोस्ट केक बना है। अभी ये जब ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो फिर हम इसको काट सकते हैं। लेकिन आप भी बनाइएगा इस मेथड से, बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए, और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।